नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में इस समय विधानसभा चुनाव का शोरगुल छाया हुआ है। विधानसभा चुनाव प्रचार में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान कई नेता तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं। कोई डोसा बना रहा है तो कोई वोटरों के कपड़े धोकर वोट मांग रहा है। ऐसा ही कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला विरुगमक्कम विधानसभा सीट पर। यहां से डीएमके प्रत्याशी प्रभाकर राजा जनसंपर्क के दौरान अचानक एक दुकान पर रुके और डोसा बनाने लगे। उन्होंने ग्राहकों को अपने हाथ से डोसा बनाकर खिलाया और उनसे वोट मांगा। बता दें कि विरुगमक्कम विधानसभा सीट चेन्नई जिले में आती है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार डीएमके ने एएमवी प्रभाकर राजा को मैदान में उतारा है। प्रभाकर राजा एक युवा विंग के आयोजक हैं और तमिलनाडु वानगर संगम पेरमइप्पू नेता विक्रम राजा के बेटे हैं। अब जब डीएमके के उम्मीदवार डोसा बनाकर वोटरों को रिझा रहे थे तो एआईडीएमके उम्मीदवार पीछे कैसे रहते। तमिलनाडु के नागापट्टिनम से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार थंगा कातीरवन ने लोगों के कपड़े धोए। वोटरों के कपड़े धोने के साथ ही उन्होंने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वे वोटरों को वॉशिंग मशीन बांटेंगे। आपको बता दें कि एआईडीएमके ने श्रीलंका तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता की बात कही है। आम लोगों को मुफ्त वॉशिंग मशीन से लेकर मुफ्त गैस चूल्हा और सभी के लिए मुफ्त केबल टीवी कनेक्शन देने का वादा भी किया है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी भी पुशअप लगाकर मतदाताओं को रिझाते हुए नजर आए थे। उन्होंने सेंट जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के पुशअप लगाने के चैलेंज को स्वीकार किया और फिर उनके साथ पुशअप भी लगाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।